हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई सिटी बुक्स यूज कंसर्न टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सिविल इंजीनियरिंग वॉल्यूम 4 का रिव्यू कर चुके हैं, जिसमें आरसीसी, डिजाइन ऑफ स्टील, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग वैल्यूएशन का पार्ट दिया गया है। इस बुक के साथ क्योंकि रिविजन चार्ट आता है, इस वीडियो में हम इसका डिटेल से देखेंगे। बुक रिव्यू हम देख चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बुक में क्या क्या दिए हुए हैं, कितने पेपर हैं, सारी चीजें इंक्लूड करके बता दिया गया है। इस वीडियो में केवल इस चार्ट का रिव्यू करने वाले हैं, जो चार्ट आप देख रहे होंगे। पहला सब्जेक्ट इसमें स्टार्ट होता है आरसीसी। आरसीसी में पहला है मॉड्यूल रेशियो, ईएस अपन ईसी बराबर 280/3 σc/cbc। कौन सी ग्रेड के लिए कंक्रीट कितना मॉड्यूल रेशियो होता है वो यहाँ पे दिया गया है। फिर आपका डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ है डिफरेंट ग्रेड के लिए, पर इसमें लिमिट है सॉलिड्स का, वाटर में क्या क्या होना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर 200, इनऑर्गेनिक 3000 ppm, सल्फेट 400 ppm, सस्पेंडेड मेटल 2000 ppm, पीएच वैल्यू 6 से कम नहीं होना चाहिए। क्लोराइड्स के लिए आरसीसी के लिए 500 ppm और पीसीसी और सीसी के लिए 2000 ppm होनी चाहिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्ट्रेस कंक्रीट और स्टील के लिए WSM और LSM में कितना होता है, वन लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इफेक्टिव स्पान बीम एंड स्लैब के कंडीशन में क्या क्या होगा वो यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद ग्रेड ऑफ स्टील बार्स यानी कि F250 के लिए प्लेन माइल्ड स्टील बार होता है, उसके बाद 415 और 500 के लिए हाई स्ट्रेंथ बार बोलते हैं। इंपॉर्टेंट डाटा है जैसे अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और CNA में क्या संबंध होता है वो दिया गया है। आपका XSC का मान यानी कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का मान कितना होता है वो यहाँ पे दिए गए हैं। फिर MOR और फेल्योर कंडीशन क्या होता है, स्टील फेल्योर, कंक्रीट फेल्योर इसमें दिया गया है। पैरामीटर और फार्मूला यहाँ पे दिए गए हैं Fe 250, Fe 415 और Fe 500 के लिए कि कितना आपका X का मान होता है, Z का मान कितना होगा, MR का कितना और AST का मान कितना होना चाहिए वो यहाँ पे दिया गया है। परिसमल बॉन्ड स्ट्रेंथ टाउ VD का मान यहाँ पे दिया गया है, टेंसाइल रिस्पोर्समेंट और कंप्रेशन के लिए। इसके बाद नॉर्मल सीयर स्ट्रेस है टाउ V। उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ LD का मान पूछा, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछे वन लाइनर टाइप पूछे जाते हैं डायरेक्ट। एक बार परिसमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस टाउ VD प्लेन बार्स के लिए, MX मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस है, टाउ CMAX कितना होना चाहिए, डिजाइन सीयर रिस्पोर्समेंट के लिए क्या क्या कंडीशन है। इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ सीयर रिस्पोर्समेंट V का मान दिया गया है, कितना आपका स्पेसिंग होनी चाहिए वो यहाँ पे दे दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे लाइफ लेंथ कितनी होनी चाहिए, टाइप ऑफ सेक्शन में मैक्सिमम स्पान इफेक्टिव डेप्थ रेशियो कितना चाहिए, 20:26:7 है, स्लैब के लिए 30:35:40:12 है। अगर स्पान 10 मीटर से ज्यादा हो तो उसके लिए अलग से फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सिलेंडर रेशियो डायरेक्ट पूछा जाता है कि कितना होना चाहिए, सिंपली सपोर्टेड के लिए, कैंटिलीवर के लिए कितना होना चाहिए, कुछ अलग से नोट्स यहाँ पे दिए गए हैं कि कितना आपका मैक्सिमम टेंशन रिस्पोर्समेंट हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, वो चीज यहाँ पे दी गई है। स्पेसिंग दी गई है आपका कि कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, वर्टिकल स्पेसिंग है, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है, स्पेसिंग ऑफ बार्स होना चाहिए कितना होना चाहिए तो यहाँ पे दिया गया। फिर नॉमिनल कवर 25, 15, 40, 20, 50 ये दिए गए हैं अलग अलग मेंबर्स के लिए। उसके बाद इफेक्टिव आपकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, मोनोलिथिक के लिए कितना होना चाहिए, फ्लेंज बीम के लिए कितना चाहिए, टी बीम के लिए कितनी डेप्थ होनी चाहिए, एक्चुअल डेप्थ कितनी होती है न्यूट्रल एक्सिस के लिए वो यहाँ पे दिया गया है। 1:2 का यहाँ पे रेशियो दिया गया है और अग्रास मेथड है, पिगार्ड्स मेथड है या स्कोर मेथड हो गया, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम की यहाँ पे चीजें दी गई हैं कितनी होनी चाहिए, हेलिकल रिस्पोर्समेंट कितना होना चाहिए, डाई ऑफ कितना होना चाहिए, पिच कितना होना चाहिए, हेलिकल के लिए सेंटर लिमिट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम सेंट्रिसिटी कितनी होनी चाहिए। क्रिटिकल सेक्शन फॉर द फुटिंग है परिसमिसिबल, पंचिंग सीयर है, लिमिट स्टेट मेथड यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके लिए सेम चीजें न्यूट्रल एक्सिस लिमिटेड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लीवर आर्म मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एमिन लिमिटिंग, फिर ये यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है आपका WSM LSM दोनों। इसके बाद यहाँ स्टील स्टार्ट होता है तो फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, गैज लेंथ क्या होती है, पिच क्या होता है, एज डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, स्लिप फैक्टर क्या होता है, मिनिमम एज डिस्टेंस है, मिनिमम विथ ऑफ रिवेटेड सेक्शन है, कौन सा रिवेट कहाँ यूज होगा, कितने इसमें होने चाहिए, मैक्सिमम पिच ये दिए गए हैं, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट एंड बोल्ट कनेक्शन के लिए यहाँ पे दिया गया है, नंबर ऑफ रिवेट कितने होने चाहिए, टाइप ऑफ फास्टनर कौन से हैं, हैंड ड्रिवन है या आपका स्वॉप ड्रिवेन है, पावर ड्रिवेन है, फील्ड ड्रिवेट है, वो चीजें यहाँ पे दी गई हैं। परिसमिसिबल स्ट्रेसेस है, मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड कितना होना चाहिए, 0 से 10 mm के लिए 3 mm होना चाहिए, 10 से 20 के लिए 5 होना चाहिए, थ्रोट कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें रिवीजन के लिए दी गई हैं। इसके बाद आपका रिजल्टेंट फोर्सेस है,
टेंशन मेंबर्स स्टील में कौन कौन से होते हैं, उनका नेट सेक्शन एरिया और टोटल एरिया क्या होता है, एंगल क्या होते हैं, यहाँ पे सारी चीजें पर स्पेशल स्ट्रेसेस वगैरह हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एक्चुअली लोडेड मेंबर है ये यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि बाउंड्री कंडीशन होगी तो एलकम की इफेक्टिव मान कितना होना चाहिए वो यहाँ पे दे दिया गया है। तो ट्रांसलेशन है, रोटेशन है, एट द इंड है, एट वन इंड है, एट अदर इंड दिया गया है। टाइप्स ऑफ मेंबर के लिए इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो 180 है, 250 से 300 है, 180 ये चार होते हैं यहाँ पे और दो यहाँ पे 350-400 दिए गए, ये जरूर याद रख लीजिएगा। इसके बाद थिकनेस क्या होनी चाहिए, थिकनेस ऑफ मेंबर मिनिमम डाय कितना यूज करते हैं, लेसन सिस्टम के लिए कितना होना चाहिए सिलेंडर रेशियो रिवेटेड मिनिमम विथ ऑफ लेसिंग बार्स, मिनिमम थिकनेस ऑफ लेसिंग बार्स, लेसिंग डिजाइन के लिए सारी चीज दी गई है। स्लैब बेस क्या होता है, वर्टिकल ट्रांसवर्स या स्टेपनर्स यूज किए जाते हैं, उसके लिए स्पेसिंग कितनी यूज होगी, स्टेपनर्स इन प्लेट ग्रेडर यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे डी बाई टी का रेशियो ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि अगर 85 हो या 85 के बराबर हो तब कितना होगा, 85 से ज्यादा हो तो ट्रांसवर्स होगा, 200 से कम हो तो वर्टिकल होगा, 250 से कम हो तो आपका बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल होगा। ये आपके स्टील के दिया, स्टील में इतना ही चीजें पूछी जाती है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस वैसे जे की एग्जाम में ज्यादा पूछा नहीं जाता लेकिन जो चीजें पूछी जाती है वो यहाँ पे दे दी गई है कि आपका कितना कोलैप्सिबल लोड होगा वो सारी चीजें यहाँ पे दे दी गई है। एस्टिमेट यूपीएससी और एसएससी में आप ज्यादा पूछा जा रहा है तो यहाँ पे क्या मेजरिंग यूनिट क्या होती है, कितना आपका वन साइड टू साइड के लिए लिया जाता है, प्लास्टिक पॉइंटिंग किस में मापा जाता है, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या होते हैं, प्लिंथ एरिया, फ्लोर एरिया, कारपेट एरिया, सर्कुलेशन एरिया, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया, इसके बाद आइटम है उसको किस में मेजरमेंट किया जाता है, किस में पेमेंट दी जाती है, इसके बाद पार्टिकुलर आइटम है और किसमें मेजरमेंट किया जाएगा और किसमें पेमेंट दी जाएगी वो दिया गया है। अर्थवर्क एस्टिमेटिंग है जिसमें कौन सा यूज होता है, इसके बाद हिली रोड के लिए अर्थवर्क के लिए क्या होगा, आइटम्स डिस्क्रिप्शन है, वर्क पर डे आउटर ने दिया हुआ है वो यहाँ पे मिल जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया गया मिनिमम हाइट ऑफ स्टैक एंड अलाउंस टू डिटेक्ट श्रिंकेज एंड और श्रिंकेज व्हेन मेजर्ड इन फ्रेश स्टैक्स। फिर वैल्यूएशन यहाँ पे दीजिएगा, वैल्यूएशन में आपका साल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, बुक वैल्यू पूछा जाता है, एनुइटी क्या होती है, कैपिटल कॉस्ट क्या होती है, ईयर परचेज क्या होता है, मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, सिंकिंग फंड, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप ऑफ प्लॉट कितने प्रकार के क्या होते हैं वो सारी चीज दी गई है। पांच वैल्यूम यहाँ पे अवेलेबल है, वैल्यूम 1, 2, 3, 4, 5, वैल्यूम 4 का ये चार्ट है। चार्ट सभी में आपको सब्जेक्ट जो जो सब्जेक्ट जिस में रहेंगे, जैसे वैल्यूम 4 में आपके चार सब्जेक्ट है, जैसे आपका आरसीसी है, डिजाइन ऑफ स्टील है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग है, तो ऐसे ही आपको हर बुक में सब्जेक्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट के साथ उसका रिविजन चार्ट भी मिलेगा और क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल 43,936 क्वेश्चन है लेकिन इस पेपर इस जब ये बुक डिजाइन की गई है तो इसमें लगभग 47,342 क्वेश्चन को कलेक्ट करने के बाद ये क्वेश्चन बनाया गया है। तीन बुक से ये ज्यादा अपडेटेड है। वीडियो कैसे लगी कमेंट कर बताइएगा, कमेंट्स को हमें इंतजार रहता है। थैंक यू गाइज़।